आज हम बना रहे हैं मसाला फ्रेंच फ्राइज, जिसके लिए हम चीज़ें लेंगे। आलू लिए हमने दो, जिसे हमने इस तरह लंबाई में काट लिया है। नमक लेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन भी ले सकते हैं। कॉर्नफ्लोर लेंगे हम 2 टेबल स्पून भर के। पेपरिका पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं ले रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप मत लें। ज़ीरा पाउडर लेंगे, हल्का सा कुटा हुआ ज़ीरा है, ये पाउडर नहीं है, कुटा हुआ ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। अजवाइन लेंगे 1/2 टीस्पून। अब आलू में मसाले डालेंगे, नमक, लहसुन पाउडर, पाउडर नहीं है तो फ्रेश लहसुन डाल दें, फ्रेश लहसुन पेस्ट डाल दें 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, धनिया पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, पेपरिका पाउडर, उनको मिक्स करें हाथ से। अब साथ ही हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, इसको सारा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे, इसको हाथ से मिक्स करके पानी डाल के इसे फौरन फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल को डाला, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, इसे फ्रेंच फ्राई को डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करें और अच्छे से ये फ्राई हो जाए तो उसके बाद इसे निकाल लें। मसाला फ्राइड राइस हमारे तैयार हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। गर्मा गर्म बच्चों को बना के दें, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तैयार है मसाला फ्रेंच फ्राइज। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और स्पेशली ये बच्चों के लिए है, जो बच्चे बहुत शौक से आलू खाते हैं तो उनके लिए है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।